बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फार्माकोग्नोसी ऑफ द फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन बाय डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। वी वर स्टडिंग द चैप्टर हाइपर सेंसिटिविटी। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। हम जो एलर्जी है उसको किन मेथड से, किस तरह से उसकी हम डायग्नोज कर सकते हैं, भांप सकते हैं कि एलर्जी किस कंडीशन की है, कौन सी है और इसके मेजरमेंट्स क्या हैं। नंबर वन इज द मेडिकल केस हिस्ट्री। अब जो एलर्जी है उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या होगी। मेडिकल केस हिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। जो मेडिकल हिस्ट्री है वो आपकी जो मेडिकल डायग्नोसिस होती है उसकी आपके पास एक हिस्ट्री आ जाती है। कुछ होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ जेनेटिकली फैमिलीज में इस तरह की एलर्जीज अक्सर चलती आ रही होती हैं, तो हमें हमारे पास अगर हिस्ट्री होती है तो हमें उसे डायग्नोस करने में हेल्प मिल जाती है कि उस पर्सन में किस तरह की एलर्जी अपेयर हो रही है। इन एलर्जी द मेडिकल केस हिस्ट्री कैन बी कंक्लूडेड ऑन द फॉलोइंग लाइंस। एलर्जी के अंदर जो मेडिकल केस हिस्ट्री है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या फैक्टर्स पाए जाते हैं वो देखते हैं। जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि जनरल एग्जामिनेशन जो कॉमन एग्जामिनेशन जो अपीयर हो रहे होते हैं एलर्जी के वो कौन कौन से होते हैं। नंबर वन इज एज। एज हो सकता है सेक्स, यानी कि जेंडर मेल है फीमेल है, उसके क्या कंडीशन है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ही वर्क एंड लीव। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो अक्सर आप देखो जहाँ फैक्ट्रीज पोल्यूटेड एरियाज होते हैं वहाँ अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा धमा अस्थमा इस तरह की बीमारियाँ होती हैं क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि किस तरह के एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, ऑक्यूपेशन उसका क्या है। और एनी एलर्जी सिम्टम या फिर किसी किस्म के उसकी फैमिली में कोई एलर्जी सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं वो देखते हैं। दिस वॉज द जनरल एग्जामिनेशन। और जनरल एग्जामिनेशन में हम किन किन पॉइंट्स को फोकस करते हैं, इन फॉलोइंग पॉइंट्स को हम फोकस करते हैं। उसके वाइटल साइंस उस बॉडी में क्या अपेयर हो रहे हैं एलर्जी के तौर पे। सम साइंटिफिक टूल्स आर अप्लाइड टू अप्रूव द डिजीज। कुछ हमारे पास साइंटिफिक टूल्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं ताकि हम उस बीमारी के बारे में प्रूव कर सकें कि वो बीमारी किस नोयत की है। By using following tools, this variety of allergy can be diagnosed. By using the following tools, इन following tools को हम use करते हुए हम allergy की severity को measure कर सकते हैं, diagnose कर सकते हैं कि उसकी severity किस किस्म की हो सकती है। हम क्या देखते हैं, blood pressure देखते हैं, temperature उसका temperature देखते हैं, breathing rate यानी कि सांस लेने की रफ्तार नापते हैं, पल्स रेट उसका देखते हैं, कार्डिक आउटपुट कितना है वो देखते हैं, एंड हार्ट रेट और जो हार्ट है किस रेट पे बीट कर रहा है वो हम फैक्टर्स इनमें वाइटल साइंस हम जो अपीयर हो रहे होते हैं एलर्जी की वजह से, तो ये एलर्जी की सेवेरिटी को मेजर करते हैं साइंस, जो कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट, पल्स रेट, कार्डिक आउटपुट एंड हार्ट रेट होते हैं। दिस वॉज द जनरल एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं कि जो एलर्जी अपेयर हो रही है उसकी हम टेस्ट कैसे करते हैं और किन किन जगहों से हम टेस्ट ले सकते हैं एलर्जी के लिए। एलर्जी टेस्टिंग। एलर्जी टेस्टिंग मेजर्स हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स टू स्पेसिफिक एलर्जन्स सच एज ट्री पोलन, पेट डेंडर, फूड्स, मेडिकेशंस और मोल्ड्स। एलर्जी टेस्टिंग में हम देखते हैं कि जो पर्सन है जिसको वो एलर्जी हो रही है वो जो एलर्जन्स हैं, जो स्पेसिफिक एलर्जन्स हैं यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं, एलर्जिक पार्टिकल्स हैं, वो किस तरह एलर्जी उस पर्सन में काम
कर रहे हैं, किस तरह उसकी बॉडी में जाकर काम कर रहे हैं और किस तरह उसकी बॉडी पे वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सच एज ट्री पोलन हो गए, जैसे कि ड्रग जो आजकल ऑटम सीजन, मैंने लास्ट हमने टॉपिक में पढ़ा था कि इनहेलेंट एलर्जेंस में क्या आते हैं, पोलन्स आ जाते हैं प्लांट्स के, पेट डेंडर यानी कि पेट से एलर्जी हो जाती है, फूड, कोई भी ऐसा फूड मटेरियल जिससे उस पर्सन को एलर्जी हो वो बॉडी में जाके किस तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, एंड सम मेडिकेशंस लाइक अक्सर लोगों को मेडिकेशन से एलर्जी हो जाती है, और मोल्स, और जो मोल्स ब्रेड्स वगैरह फंजाई जो अपेयर होते हैं उनसे किस तरह एलर्जी होती है और वो बॉडी पे क्या असर अंदाज प्रोड्यूस कर रही होती है। अब पॉजिटिव एलर्जी टेस्ट मीन्स अगर एलर्जी का टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या बताता है हमें, वो हमें बताता है दैट अ पर्सन हैज़ अ स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडी टू द सब्सटेंस टेस्टेड। अगर हम एलर्जी टेस्ट लेते हैं और अगर वो पॉजिटिव हमें शो होता है तो हमें ये पता चलता है कि जो बॉडी है, जिस पर्सन की बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडी वो स्पेसिफिक सब्सटेंस के खिलाफ प्रोड्यूस हुई है, तो वो हमें बताता है कि क्या है वो पर्सन जो है उस एलर्जी के खिलाफ पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट उसी वक्त आएगा क्योंकि ताकि वो जो स्पेसिफिक पोलन है लाइक ट्री पोलन है उसके खिलाफ वो उस पर्सन को एलर्जी हुई है, तो जो बॉडी है उस एलर्जन से फाइट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। अगर वो स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज हैं हमें बताएंगी कि वो पोलन एलर्जी उस पर्सन को हुई है जिसकी वजह से जो बॉडी है उसने वो एलर्जिक एंटीबॉडीज उस पोलन के या एलर्जन के खिलाफ प्रोड्यूस की हैं, जिसका मतलब है कि जो एलर्जी का टेस्ट है वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। दिस ऑफन मीन्स डैट द पर्सन इज एलर्जिक टू दिस सब्सटेंस। इसका क्या मतलब होता है कि वो जो पर्सन है विश उस डैट हमें क्या शोज करता है कि पर्सन जो है वो एलर्जिक है उस सब्सटेंस के खिलाफ, इसलिए जो टेस्ट है वो पॉजिटिव। तो हमारे पास कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं, दो तरह के हमारे पास एलर्जी टेस्ट होते हैं, स्किन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है, हम स्किन के थ्रू टेस्ट करते हैं और दूसरा ब्लड के थ्रू हम टेस्ट लेते हैं। स्किन टेस्ट हमारे पास थ्री टाइप्स के स्किन टेस्ट पाए जाते हैं, एक होता है स्क्रैच टेस्ट, दूसरा पैच टेस्ट एंड थर्ड वन इज इंट्राडर्मल टेस्ट। आज हम देखते हैं स्क्रैच टेस्ट किस तरह करते हैं स्किन से। स्क्रैच टेस्ट को हम स्किन प्रिक टेस्ट भी कहते हैं। टेस्टिंग बिगिंस विद अ प्रिक। जो स्क्रैच टेस्ट की टेस्टिंग है वो हम स्टार्ट किस तरह करते हैं, हम सबसे पहले प्रिक करते हैं, पंक्चर करते हैं और ठीक है, हमने जो टेस्टिंग है वो किस तरह बिगिन करनी है, हम सबसे पहले जो स्किन है उसको प्रिक करते हैं, यानी कि जहाँ एक हमारे पास नीडल होती है उसके थ्रू हम स्किन है उसको प्रिक करते हैं, यानी कि उसके अंदर सुई से उसको प्रिक करते हैं, उसके सुई घुमाते हैं, पंक्चर करते हैं, उसी को हम पंक्चर करना कहते हैं, स्क्रैच मेथड हम अप्लाई करते हैं विच इन्वॉल्व्स द प्लेसिंग अ ड्रॉप ऑफ द एलर्जन ऑन द स्किन, जिसमें क्या होता है हम जो एलर्जन है यानी कि वो पार्टिकल जिससे आपको एलर्जी हो रही है वो जो एलर्जन उसका जो एलर्जन है उसका एक ड्रॉप हम स्किन के ऊपर डालते हैं। यूजुअली अ कमर्शली अवेलेबल एक्सट्रैक्ट ऑफ पोलन्स, मोल्ड्स, फूड्स, पेट डेंडर, बॉडी एलर्जन मार्केट में हमें इजीली अवेलेबल होते हैं जो हम स्किन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। दी स्किन जो अब हमने क्या किया है, एलर्जन में हमने बॉडी में बॉडी का सबसे पहले जो जगह थी स्किन की हमने उसे प्रिक किया और उसके ऊपर हमने एलर्जन का ड्रॉप अप्लाई किया, डाला स्किन के ऊपर,
फिर अब स्किन जो है वो क्या रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, हम क्या करेंगे? अब दिस स्किन इज द जेंटली स्क्रैच, तो जो स्किन है उसको जेंटली आराम से आहिस्ता से स्क्रैच किया जाता है विद दी स्मॉल ड्रॉप विद अ स्पेशल स्टेराइल नीडल। हम स्पेशल स्टेराइल नीडल यूज़ करते हैं स्किन को स्क्रैच करने के लिए। स्क्रैच का मतलब आपको पता होगा, स्क्रैच कैसे करते हैं, खरचना। आफ्टर द स्किन इज स्क्रैच, जब स्किन स्क्रैच की जाती है द टेस्ट टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू 12 आवर। जब स्किन को स्क्रैच किया जाता है उसके बाद ड्रॉप अप्लाई करने के बाद और नीडल से हम जब उसे स्क्रैच करते हैं तो जो टेस्ट का जो रिज़ल्ट आने में हमें 15 मिनट लगते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट है वो बॉडी के ऊपर अपीयर होना शुरू हो। इफ़ द स्किन रेडन्स, अगर रिजल्ट में हमें क्या पता चलता है, अगर स्किन रेडनेस शो कर रही है एंड मोर इम्पोर्टेंटली और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अगर स्किन उस एलर्जन के खिलाफ स्वेल कर जाती है और रेडनेस प्रोड्यूस करती है देन द टेस्ट इज रीड एज पॉजिटिव। तो जो टेस्ट है हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड एलर्जी टू डैट सब्सटेंस इज कंसिडर्ड प्रोबेबल। ठीक है, अब रिजल्ट हमारे पास क्या आया और एलर्जिक रिएक्शन बॉडी के ऊपर क्या अपीयर हुआ उस एलर्जन के खिलाफ, कि जो स्किन थी वो रेडन्स हो गई और स्वेल कर गई। और जो टेस्ट है वो हमें बताएगा कि जो ये टेस्ट है उसकी हम रीडिंग किस तरह लेंगे कि स्किन रेडनेस हो गई है और स्वेल कर गई है, तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया है। और जो एलर्जी है जिस सब्सटेंस से उस पर्सन को एलर्जी है वो हम कहेंगे प्रोबेबल, यानी कि वो है उसको एलर्जी उस पर्सन को। दिस टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज हे फीवर एलर्जी। ये जो टेस्ट है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, स्किन टेस्ट हम हे फीवर एलर्जी को डायग्नोस करने के लिए स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। हे फीवर एलर्जी किन किन से हो सकती है, हाउस डस्ट माइट से और ग्रास पोलन से एलर्जी हो सकती है। दिस इज द स्किन टेस्ट पिक्चर शोइंग सेवरल एलर्जन आर इंट्रोड्यूस इन दी स्किन। ये हमने बाजू है इसको प्रिक किया है सेवरल टाइम्स और इसके ऊपर ड्रॉप ऑफ एलर्जन अप्लाई कर दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता एलर्जी 15 मिनट लगेंगे तो एलर्जी रिएक्शन उस पर्सन की स्किन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब नेक्स्ट पीछे इन्होंने स्किन एलर्जी टेस्ट की शो की हुई है कि ये स्किन एलर्जी टेस्ट है। जो पैच टेस्ट है वो हम कॉन्टैक्ट एलर्जी की वजह से कॉन्टैक्ट एलर्जी को हम टेस्ट करने के लिए करते हैं। इट इज कि कॉन्टैक्ट एलर्जी किन किन चीज़ों से हो सकती है, जो और इसकी हमने टेस्टिंग किस चीज़ से करनी है, पैच टेस्ट से। हमने टेस्ट देखना है कि कॉन्टैक्ट एलर्जी के पैच टेस्ट हमारे पास क्या आएगा। डर्माटोलॉजिस्ट अप्लाई द पैच टेस्ट इन पेशेंट्स विद द डर्माटाइटिस। वो पेशेंट्स जिन्हें डर्माटाइटिस बॉडी पे अपीयर हुआ होता है उन पे हम पैच टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट वेदर देयर स्किन कंडीशन। ये फाइंड करने के लिए कि जो उनकी स्किन की कंडीशन है, जो उनकी जो स्किन पे जो एलर्जी हुई है वो किस वजह से, दिस द डर्माटाइटिस बॉडी के ऊपर ये अपीयर हुई भी है, तो इस डर्माटाइटिस को चेक करने के लिए कि कहीं कोई कॉस्मेटिक हमने पेशेंट ने
अप्लाई की है उसकी वजह से तो ये डर्मेटाइटिस तो नहीं हो गई, या कोई ज्वेलरी पहनी है उसे डर्मेटाइटिस हो गई है। तो इसको चेक करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं